भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, मार्केट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन समेत किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके कृपाल परमार ने इन दिनों चल रहे किसान आंदोलन को सरासर गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चल नहीं रहा, बल्कि उसे चलाया जा रहा है। पूरे देश में इसे चलाने का प्रयास किया जा रहा है और वो भी निहित स्वार्थ के कारण इस आंदोलन को बिचौलिए चला रहे हैं, जबकि किसान तो अपने खेतों में खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। ये आरोप लगाते हुए परमार ने कहा कि किसान आंदोलन पंजाब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, जबकि अन्य राज्यों में भी किसान हैं। किसान बिल बिचौलियों को खत्म करने का काम करेगा, जिससे बिचौलिए और दलाल तिल मिलाए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। परमार ने सवाल उठाया कि इस आंदोलन के सूत्रधार पंजाब और महाराष्ट्र ही क्यों है। पंजाब में अकाली और कांग्रेस इस आंदोलन को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अधिकतर लोग आड़ती का काम करते हैं, जिन्हें किसान बिल से नुकसान होगा। यही वजह है कि अब ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, परमार ने किसान आंदोलन के तार राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़े होने की भी बात कही। टुकड़े टुकड़े गैंग की घुसपैठ किसान आंदोलन में हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बिचौलियों का पुराना साथ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान बिल केंद्र द्वारा किसानों की सुरक्षा हेतु लाया गया है, जिसका आढ़ती और दलाल विरोध कर रहे हैं। जो पूरे देश में किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि 700 जिला केंद्रों पर जाकर, मुख्यालयों पर जाकर प्रेस वार्ता की जाएगी और किसानों की आड़ में जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जाएगा। कांग्रेस का नाता दलालों के साथ सदा रहा है, चाहे वो हथियारों के दलाल हों, चाहे वो कोयले के दलाल हों, चाहे सीमेंट के दलाल हों, हर तरह की दलाली जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कांग्रेस मुख्यालय से चलता था। आज उनके सारे धंधे बंद हो गए और पंजाब, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां पर हजारों करोड़ रुपए का अनाज का बिचौलियों का धंधा है और उनको लग रहा है कि ये धंधा भी हमारा बंद होने वाला है। इसलिए कांग्रेस, अकाली, कम्युनिस्ट और किसान को लूटने वाले दलालों के साथ मिलकर इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। इस बिल में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो। जहां पर किसानों को शंकाएं थी, जहां कोई बिंदु जो थे वो नहीं थे, उनका भी समावेश जो है इस बिल में करने का मोदी जी की सरकार ने वचन दिया है। मोदी जी की सरकार किसान हितेशी सरकार है और मोदी जी की मंशा पे शंका जो है वो निराधार है। यही आज कहने का मेरा उद्देश्य।